takita dum takita takati midum takita tang takati ku takatum tarigina dum takati ku takatadigina dum takati ku नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत की संस्कृति ऐसी है कि इसमें कई सारे ऐसे संगीत हैं जो जाने पहचाने जाते हैं। नृत्य भी कई ऐसे हैं जिनको काफ़ी लोगों के बीच जाना पहचाना जाता है। उनमें से एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो भारत में सबसे पहले आया। ये विधा सबसे पहले आई, लोगों ने इसको आत्मसात किया और इसका प्रचार प्रसार के साथ इसको आगे बढ़ाया। हमारे भिलाई इस्पात नगरी में भी एक ऐसी नृत्यांगना कह सकते हैं बहुत अच्छा भरतनाट्यम का परफॉर्म करती है। इनका नाम है पलक उपाध्याय। जी हाँ, ये राखी रॉय जो नृत्य साम्राज्ञी कहलाती है उनकी शिष्य रह चुकी है और हमारे बीच आज अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहती है। तो सबसे पहले हम पलक का स्वागत करते हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ में। थैंक यू मैम। पलक, भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो काफ़ी इन्हें कठिन माना जाता है, लोग बहुत जल्दी से इसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तुमको कैसे लगा कि इसको सीखना चाहिए? मेरी मम्मी डांस से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, तो वो सब देख के उनको देख करके मेरे को भी मतलब शौक था। तो मैं जब 3 साल की थी तो डांस क्लास में मम्मी ने डाल दिया था राखी रॉय मैम के पास, और वहाँ पे जब मैं गई वहाँ पे मैं अपने सीनियर्स को देखी करते हुए तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ गया। स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ शिक्षा ग्रहण की? मैं 10th तक MGM में पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद मैंने 11th-12th KPS से किया। अभी हाल ही में तुमने अपनी एक परफॉर्मेंस दी थी और राज्य के मुखिया ने भी तुम्हें सम्मानित किया था, कहाँ कहाँ तुमने इसके अलावा और अपना नृत्य का जोहर दिखाया? इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारे जगह में हो चुका है, फिर इंटरनेशनल लेवल में थाईलैंड 2 बार, पटाया और बैंकॉक, फिर सिंगापुर 2 बार हो चुका है, फिर मलेशिया और श्रीलंका। बहुत कठिन माना जाता है भरतनाट्यम, क्या जो अभी युवा हैं जो पाश्चात्य संगीत की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या उन युवाओं को उनको कहना चाहेंगे ये भरतनाट्यम जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है इसको सीखें? बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आपके बिहेवियर में भी डेवलपमेंट आता है, फिर आप भगवान से जुड़ सकते हैं उसी से, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने कल्चर से जुड़े रहना। और डिफ़िकल्ट तो मेरे को लगता है कि हर डांस फॉर्म होता है, आपको पेशेंस चाहिए हर चीज़ सीखने के लिए बस। आपकी गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु डॉक्टर राखी रॉय मैम है और अतनु सर और केशवन सर। क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, मम्मी एक मेकअप आर्टिस्ट है और उन्होंने काफ़ी जो डांस परफॉर्म करते होंगे उनको मेकअप करती होंगी वो, तो तुम 3 साल की उम्र से क्या तुम्हारा रुझान था कि मुझको भी भरतनाट्यम सीखना है? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब देख के लगता था जैसे स्टेज में कोई परफॉर्म करता था कि मैकअप स्टेज में जाकर डांस करूँगी। और जब मैं 4 साल की थी तब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज में गई थी और मेरे को डर भी नहीं लगा था, मतलब पहले स्टेज में जाते तो डर लगता है, तो वैसा कुछ लगा नहीं, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अभी शंकराचार्य में आप BA की छात्रा हैं, क्योंकि इसी में अपना करियर तुम बनाना चाहती हो, तो क्या पढ़ाई और इस विधा के बीच में कोई सामंजस्य बन पाता है, कोई अड़ंगा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि अभी मेरे 10th और 12th के बोर्ड्स थे, उस टाइम पे भी मैंने अपनी क्लासेस कंटिन्यू किया, मतलब प्रैक्टिस मेरा कभी स्किप नहीं हुआ। आपको बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आप अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो सब चीज़ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग रोज़ पूरे दिन भर बैठ के पढ़ते होंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाले डांस के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, सब मैनेज हो जाता है। इंडिया के अलावा परफॉर्म जहाँ जहाँ किया तो लोगों को कैसा प्यार मिला, क्योंकि भरतनाट्यम भारत के अलावा विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित है? वहाँ पे लोग इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, उनको जो डांस किया मैंने उसके बारे में जानने के बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बारे में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया था कि उन लोग बाद में आके पूछे हर एक चीज़ के, एक एक छोटे छोटे डिटेल के बारे में, और इवन बाहर के लोग सीखते भी हैं यहाँ का डांस। जैसे मेरी मैम अभी अमेरिका और सिंगापुर की क्लासेस भी लेती हैं जी। और हमसे अपने अनुभव किस तरह साझा करना चाहेंगे जो पूरे भारत और विदेशों के भ्रमण के दौरान रहे? बहुत अच्छा था, क्योंकि काफ़ी अलग अलग टाइप के लोगों से मिलने का मौका मिला, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि कैसे, मतलब कैसे शांति से अच्छे से एक अच्छा कलाकार बन के रहना है, और बस अपनी गुरु माँ के लिए अगर कुछ करना पड़े, कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़े तो क्या देना चाहेंगे?
जितना मतलब ऐसा है कि जितना दो उतना कम है, तो कोशिश करूँगी कि उनका नाम बहुत आगे लेकर के जाऊँ। और जो जहाँ पे मैं सीख रही हूँ नृत्यदा मराठी रॉय मैम का, पूरे देश विदेश में नाम ऊँचा करूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब डांस करें, अदर एक्टिविटीज़ में भी मतलब पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, आप उससे फिट भी रहेंगे। पलक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी पलक उपाध्याय, भरतनाट्यम नृत्यांगना राखी राय मैडम की शिष्या है, और अपने भविष्य में भी इस लाइन में वो काफ़ी आगे जाना चाहती है, भरतनाट्यम को और आगे तक ले जाना चाहती है और कुशल इसमें पारंगत भी होना चाहती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।